हेलो दोस्तों, आपका एमके स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एमके स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हमने राजस्थान जीके से आए हुए प्रश्न एमके स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए उपलब्ध करवाए हैं। इन क्लासों की प्लेलिस्ट एमके स्टडी चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है, जहाँ से इन क्लासों को देकर अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी को एक सही मुकाम दे सकें। आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह पेपर पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का है, जिसका तृतीय चरण 24 अक्टूबर 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। इसका कोड 104C है। छप्पन का मैदान स्थित है बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच। ऑप्शन बी, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच। सैरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? बारा, झालावाड़, बूंदी, कोटा। ऑप्शन ए, बारा। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब किया गया? 1 अगस्त 1994, 18 अप्रैल 1996, 18 अप्रैल 1995, 12 जुलाई 1994। ऑप्शन डी, 12 जुलाई 1994। निम्न में से कौन से कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? दूल्हे राय, जैसे कोकिल देव या मानसिंह। ऑप्शन सी, कोकिल देव। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहाँ स्थित है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर या जोधपुर। ऑप्शन सी, जयपुर। यदि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ पूछा जाए तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, जोधपुर होगा, लेकिन यदि बेंच पूछी जाए तो इसका उत्तर जयपुर। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ पुस्तक दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक हमीरायण। यह पुस्तक भांडू व्यास के द्वारा लिखी गई है, बीरमायण बादर के द्वारा, रघुनाथ रूपक मंचाराम सेवक। ऑप्शन सी, अठारह सौ सत्तावन में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी बॉम्बे लायंस, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन डी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली या कत्थक। ऑप्शन बी,
कच्ची घोड़ी नृत्य, कौन सा युग्म असंगत है? आरथूरा मंदिर, बाड़मेर, हर्षद माता मंदिर, आवानेरी दौसा, विभीषण मंदिर, कैथुन, कोटा, हर्षनाथ मंदिर, सीकर। ऑप्शन ए आरथूरा मंदिर, बाड़मेर। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज थर्ड, अजय राज, अर्णो राज, विग्रह राज फोर्थ। सबसे पहले अजय राज, दूसरे नंबर पर अर्णो राज, तीसरे पर विग्रह राज चतुर्थ, चौथे नंबर पर पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन सी 2 3 4 1। निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ अभयारण्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान कुंभलगढ़, वन्यजीव अभयारण्य, राजसमंद, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, मरु राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर, टाइगर रिजर्व, सरिस्का। ऑप्शन ए राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ पर्यटन सर्किट दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र मेवात सर्किट, अलवर भरतपुर, सवाईमाधोपुर, सेकावाटी सर्किट, चूरू सीकर झुंझुनू, मरु सर्किट, जोधपुर जैसलमेर, बीकानेर बाड़मेर, मेरवाड़ा सर्किट, अजमेर पुष्कर, मेड़ता और नागौर। ऑप्शन सी राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? सिंचाई की एक किस्म, इनमें से कोई नहीं, एक प्रकार की लाग, भूमि का एक प्रकार। ऑप्शन सी एक प्रकार की लाग। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? पीपाण, टोड़ा टोड़ा, धनेरा, या गागरोन? ऑप्शन डी गागरोन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यवाहक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 158। ऑप्शन बी अनुच्छेद 154। सेकावाटी
किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? जमुना लाल बजाज, जय नारायण व्यास, माणिक्य लाल वर्मा, हीरा लाल शास्त्री। ऑप्शन डी, हीरा लाल शास्त्री। सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? 1882, 1860, 1857 या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी, 1857। सूची फर्स्ट में विरासत दे रखी हैं, सूची सेकंड में उनके स्थान। इनके साथ मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। गजनेर महल, बीकानेर, किराड़ू मंदिर, बाड़मेर, जग मंदिर, उदयपुर। ऑप्शन बी, अल्किया संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत दास जी, चरणदास, स्वामी लालगिरी या भोलानाथ? ऑप्शन सी, स्वामी लालगिरी। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? रवाज, बपंग, सारंगी या जंतर? ऑप्शन बी, बपंग। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ? एसके सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। दोस्तों, ये चारों राज्यपाल ऐसे हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी। नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल, हस्तनिर्मित कागज? ऑप्शन बी, कच्ची मिट्टी के खिलौने। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। राजस्थान में लोकायत संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया, ये कथन सही है। न्यायमूर्ति आईडी द्वारा राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे, ये कथन भी सही है। ऑप्शन बी, एक और दो दोनों सही हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? एक तरफ संस्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष दे रखी है। राजस्थान साहित्य एकेडमी 1969, राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी 1957, राजस्थान ब्रजभाषा एकेडमी 1982, राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी 1980। ऑप्शन बी, राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी 1957। मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का काल क्रमानुसार सही क्रम है। शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पाड़िया,
भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। ऑप्शन बी जगन्नाथ पाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, शिव चरण माथुर, हरिदेव जोशी। ऑप्शन सी शिव चरण माथुर, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन डी हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया, शिव चरण माथुर। ऑप्शन डी हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया और शिव चरण माथुर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। अशोकाष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को या चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ऑप्शन डी चैत्र शुक्ल अष्टमी को। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? श्री एन के जैन, श्री अमरजीत सिंह, श्री एम डी कोरानी, श्री इंद्रजीत खन्ना। ऑप्शन सी श्री एम डी कोरानी। दोस्तों यदि आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा, जिससे आपका सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना पूरा हो सके।